पीयूष जल्दी उठ, भूकंप आ रहा है, सारा घर हिल रहा है। ओए चुपचाप जाके सो जा, घर गिरेगा तो हमारा क्या जाएगा, हम तो किराएदार है। सो गाइस, जो निर्मल भैया है जो सौरव जोशी के साथ में देखते हैं, अभी सौरव जोशी निर्मल भैया के घर में रह रहे हैं और निर्मल भैया सौरव जोशी का अपना घर नहीं बेचने वाले हैं। जैसा कि सौरव जोशी ने बताया था कि निर्मल भैया की मम्मी से वो बात करेंगे घर को लेके, लेकिन वो डिस्कशन मेरे हिसाब से पूरा नहीं हो पाया है। अगर आपको नहीं पता तो वो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत टाइम के बाद निर्मल भैया आए हमारे घर, नहीं खुद के घर। भाई की गैलरी कितनी बढ़िया देखना, यहाँ प्लांट्स वगैरह पेड़ भी है। ये ऊपर का एरिया ठीक है, ठीक है, पुराना बहुत है यार। पुराना है हाँ, नीचे ये थोड़ा देखो क्रैक व्रैक से है ना यहाँ पे। ये नए वाले घर है ना, इनमें से कोई मिल जाए। वो वाला कितना प्यारा है, वो देखे कितना प्यारा है, एकदम सामने ही पहाड़ भी है। ये वाला एरिया बढ़िया है, लेकिन घर थोड़ा घर नया टाइप का मिल जाए ना। देख इस टाइप का प्लॉट मिल जाए फिर बना सकते हैं। इस प्लॉट के बारे में पूछो भाई। हाँ पीछे देख सारे आम के पेड़ है, आम खा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आम ही आम हो जाएंगे बस। वो देखो वो सामने जितने भी पेड़ है सारे आम के पेड़ है। और वो नया घर भी देखने गए थे जैसा कि आप क्लिप में देख चुके हो। अभी ये डिसाइड नहीं है कि वो नया घर लेंगे बना बनाया या फिर वहाँ पे घर बनवाएंगे। मेरे हिसाब से जहाँ तक है वो नया घर ही बनवाएंगे जमीन लेके, क्योंकि सौरव जोशी अपनी पूरी फैमिली को रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कमरे कस्टमाइज होने चाहिए। और कस्टमाइज उनका मन मुताबिक घर उनको मिल नहीं रहा है, बहुत दिनों से वो ट्राई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सौरव जोशी नया घर कहाँ पर बनाएंगे, और बनाएंगे या बना बनाए लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। गाइस अगर ये आपको अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।